मैं आपको ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि टाटा के जो मालिक थे जमशेद टाटा, उनसे पहले के जो पहले, अभी तो शायद तीसरे चौथे हैं रतन टाटा, लेकिन जो पहले थे स्वामी विवेकानंद, उनसे ट्रेन में मिले थे और बातों ही बातों में वो जमशेद जी ने पूछा था कि स्वामी जी हमारे भाग्य में, हमारे हित में जो हो वो बताइए। तो विवेकानंद ने कहा था तुम्हारे भाग्य में लोहा, कोयला और हीरा है, तीन में से कोई एक का काम चालू करोगे तो तुम्हारा व्यापार बहुत बढ़ेगा। तो उन्होंने विवेकानंद जी से कहा कि स्वामी जी, जब आप इतना जानते हैं कि हम लोहे सोने या लोहे कोयले या हीरे का काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, तो अब तीन में से कौन सा करना ये भी आप बता दीजिए और कहाँ करना। तब विवेकानंद जी ने ध्यान किया और बताया कि आप लोहे का काम चालू करो और ये जगह पर चालू करो तो तुम्हें विजय मिलेगी। और विवेकानंद की बात मानकर उन्होंने शुरू किया। तो अभी 101 या 102 साल हुए हैं टाटा को, तो अरबों खरबों का काम हो गया है। तो मानना पड़ेगा कि टाटा की जो सफलता और उन्नति है उसके पीछे भी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद का शुभ संकल्प और आशीर्वाद काम कर रहा है। ऐसे ही रिलायंस के अंबानी बंधु, उनके पीछे भी एक महापुरुष का आशीर्वाद रहा, धीरू भाई अंबानी के पीछे। और ये जो आपके बिरला हैं जिसका ये आइडिया फोन चलता है, और बिरला सीमेंट और भी बहुत सारे काम चलते, लंबे चौड़े काम हैं, तो इनके पीछे भी स्वामी अखंडानंद जी का आशीर्वाद। इनके जो पिताजी और उनके दादाजी थे वो स्वामी अखंडानंद जी के गीता भवन में इंदौर में जब प्रवचन होते थे अथवा बम्बई में होते थे तो बिरला जी जाके उनके प्रवचन में साधारण व्यक्ति की नाई, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, वो इतने बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति जिनके कितने कारखाने और लंबा चौड़ा काम चलता था, अभी तो शुरुआत हुई थी, और वो जाके श्रद्धा भक्ति से शांति से बैठते थे। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके बाद उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, मेरे पास वो चित्र है, आनंद में ही माँ के चरणों में बैठी। इंदिरा कहती थी कि जब जब मैं राजनीति से थक जाती हूँ, हार जाती हूँ, नींद नहीं आती और तनावग्रस्त हो जाती हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, मैं तब तब उन चरणों में जाकर बैठती हूँ, उस माँ के चरणों में और संत के चरणों में जाकर बैठती हूँ। कुछ मिनट, कुछ समय बैठने पर मैं नए उत्साह, नए उमंग से भर जाती हूँ। भले वो बोलती हैं तो अच्छा है, न बोलें, चुप बैठी भी रहती हैं तो उनके परमाणु, उनके आंदोलन, उनके आभा मंडल, उनकी ऑरा से मुझे जो शांति मिलती है, जो मुझे तसल्ली मिलती है और जो मैं अपने आप को तनाव रहित, बोझ रहित अनुभव करती हूँ, और मैं फिर से तरोताज़ा होकर अपना पद को संभालने के योग्य और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के योग्य बनती हूँ, तो इसके पीछे संत आनंदमयी माँ की कृपा और आशीर्वाद का ही परिणाम है कि इतने झंझावात और इतने प्रॉब्लम और इतने दुश्मनों विरोधों के बीच भी मैं टिकी हुई हूँ। ये संत की शक्ति है, ये धर्म की शक्ति है, ये आध्यात्मिकता की शक्ति है और महापुरुषों के चरणों में बैठने का ये फल है। तो महापुरुषों के चरणों में जो बल मिलता है, जो शक्ति मिलती है, जो हिम्मत मिलती है, जो तेज मिलता है, जो हौसला बुलंद होता है, लाखों करोड़ों रुपया तुम खर्च के तुम ऐहिक सुविधाएं पा सकते हो, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम सकते हो, लाखों करोड़ों के मकानों में रह सकते हो, लेकिन पैसे के बल पर तुम आध्यात्मिक शांति नहीं पा सकते। वो आध्यात्मिक शांति तो महापुरुषों के कदमों में मिलती है, गुरु के चरणों में और गुरु के ज्ञान में वो शांति मिलती है। इसलिए बड़े वो भाग्य वाले हैं
जो ऐसे सदगुरु के ज्ञान को पाने में सफल हो जाते हैं। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। अभागे व्यक्ति का तन सेवा में नहीं लग सकता, अभागे व्यक्ति का मन भगवान के भजन में नहीं लग सकता, और अभागे व्यक्ति का धन भी परमार्थ में नहीं लग सकता।